हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मिस्टर अभिजीत आनंद आयवळे, लेक्चरर एट प्रवीण पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भाईंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। द प्रैक्टिकल नंबर 3 इज डीसी सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट। हमने सेकेंड चैप्टर में डीसी सोर्स ईएमएफ मेजरमेंट किया था, यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है। इसलिए जो सर्किट डायग्राम है इस तरह से आपको समझ में आएगा। जो प्रैक्टिकल नंबर 2 में सर्किट डायग्राम थी, सिमिलर सर्किट डायग्राम हमें प्रैक्टिकल नंबर 3 में भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, एमीटर है, एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए, रियोस्टैट है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ए है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंडिकेट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल का सेटअप देखते हैं। सेम सेटअप है जिस तरह से, यहाँ से मैंने सप्लाई ऑफ कर रखा है स्टार्टिंग से, ये है डीसी सप्लाई सोर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो मल्टीमीटर यूज़ किए हैं, एक मल्टीमीटर एज अ एमीटर यूज़ किया है, एक मल्टीमीटर एज अ वोल्टमीटर यूज़ किया है। मैं हर बार बताते आ रहा हूँ, आप फिर से बताता हूँ कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। ओके, उसके साथ साथ जो लगने वाला है रियोस्टैट लगने वाला है, रियोस्टैट रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए हमें यूज़ करने वाला है। इसको हम वेरी करके स्लाइडली आगे पीछे लेके हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। ओके, सो सप्लाई इस तरह, कनेक्शन इस तरह से है। ये मेरा पॉजिटिव से गया 10 एम्पियर के, एमीटर के 10 एम्पियर का, एमीटर का कॉमन गया रियोस्टैट के एक टर्मिनल को, रियोस्टैट का सेकेंड टर्मिनल से ये जो रेड दिखाई दे रहा है आपको फिर से निगेटिव हुई, सप्लाई कम्प्लीट हुआ। और मैंने वोल्टमीटर लगाया इनके पैरेलल में, यहाँ पे देखो 10 वोल्टेज का मैंने 10 वोल्ट को मैंने यहाँ इस टर्मिनल में कनेक्ट किया है। सो और कॉमन को मैंने इस टर्मिनल को कनेक्ट किया है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि प्रैक्टिकल एक्चुअल में कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सप्लाई को ऑन करना है। सप्लाई ऑन करने से तो यहाँ पे आपको वोल्टेज और यहाँ पे करंट आपको दिखाई देगा, जहाँ पे जितना करंट यहाँ पे है सिमिलर करंट हमें मल्टीमीटर में भी दिखाई देगा, 0.02 एम्पीयर का। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर एज अ एमीटर यूज़ किया है, जितना यहाँ पे सप्लाई में फिर से बता रहा हूँ आपको, उतना ही यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई देगा। और यहाँ पे मैंने एज अ वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है। फिर से देखो यहाँ पे डीसी और एसी के लिए दोनों, अभी मैंने डीसी पे रखा है क्योंकि सप्लाई मेरा डीसी है, तो 10.03 अभी यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, रियोस्टैट को वेरी करके मैं इसका रेजिस्टेंस चेंज करते रहूँगा। और रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद हमें सिर्फ यहीं पे रुकना नहीं है, हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। सो मैं अभी रियोस्टैट को चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे वैल्यू चेंज हो रही है 4.5, और उसी तरह से जो पहले मेरा 10.04 था अभी 9.93 पे वोल्टेज आ चुका है। और देखेंगे कि आप सप्लाई वोल्टेज ज़रा भी चेंज नहीं है। फिर से हम देखते हैं कि मैंने वैल्यू चेंज किया था, अगर मैं नॉब को पीछे ले जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगी। इस तरह से आपको दिखाई देगा। वेल, यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन भी किए थे। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज 10 रखा था तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट 10 ही आ रहा था। एमीटर मेरा 0.1 एम्पियर था जब मेरा वोल्टेज 9.82 वोल्टमीटर पे दिखा रहा था, 0.6 एमीटर के लिए 9.79, 0.5 एम्पियर के लिए 9.65 वोल्टेज, 0.04 एम्पियर के लिए 9.62। मतलब क्या, वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, करंट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है एज वेल एज वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है। इन अदर लैंग्वेज हम ऐसे भी कह सकते हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है सो करंट भी मेरा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और एक कॉलम दिखाई दे रहा है जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो किस तरह से निकालेंगे। सो आर का फॉर्मूला होगा ई सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। लेकिन यहाँ पे वी मतलब ई माइनस वी निकालेंगे। सो एक करके देखते हैं हम, ई है हमारा 10, वी है 9.82, तो 10 माइनस 9.82 डिवाइडेड बाय 0.1, सो जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.8 आएगा। अभी सिंपल बात है,
जैसे मेरा वोल्टेज कम होते जाएगा या फिर करंट कम होते जाएगा, इसका मीनिंग है मेरा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। इसको करंट को अपोज कर रहा है, जितना ज़्यादा अपोज कर रहा है उतना करंट कम होते जा रहा है, जितना ज़्यादा अपोज कर रहा है उतना करंट कम होते जा रहा है, जितना ज़्यादा अपोज कर रहा है उतना करंट कम होते जा रहा है। यही हमें प्रैक्टिकल नंबर 3 में सीखना था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट के साथ और वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है। थैंक यू सो मच।